पलवल हुंडल की अपराध शाखा पुलिस ने मध्य प्रदेश के मुरैना के जंगलों से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पलवल के गांव बहरोला के रहने वाले 25 साल के युवक का बस स्टैंड से अपहरण किया था। आरोपियों ने परिवार के लोगों से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसा नहीं देने पर युवक को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस बरामद किए। ये 22 तारीख को एक लड़का किडनैप हुआ था संदीप, और उसकी अल्टो कार थी। अल्टो कार से ही तो संदीप को पलवल से ले लिया था। पलवल से लिए पर पीछे मुकदमा दर्ज हो लिया पलवल में 364 है का, तो वहाँ मुकदमा दर्ज हुए पर पीछे एसपी साहब ने स्पेशल आदेश देकर एक टीम गठित की कि भाई जो ये लड़का मैं गाड़ी के यहाँ से किडनैप हुआ है भाई कहीं भी पता निकालो इसका। पलवल से ले गए थे मुझे वो, फिर वहाँ पर मुझे लेकर गए थे अपने कोठड़े पर, जो दो मंजिल कोठड़ा था वहाँ पर मैं मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, रजाई पड़ी हुई थी मेरे ऊपर। जब पुलिस ने वहाँ पर मैं जाके वहाँ छुपाया था। तो आपने कितने की डिमांड की जा रही थी, कितने पैसे मांगे थे और कई बार मांगे थे? पहले मेरे से 15 लाख रुपए की डिमांड की थी, मेरे घर फोन करवाया था, फिर उन्होंने